हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की स्टूडियो में आप सबको बताने वाली हूँ सिंगल कटेटेड ब्लाउज की स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैंने सभी पार्ट्स की कटिंग कर ली है। ये है हुक और आई की पट्टी, ये कटोरी का पार्ट है, और ये है बेल्ट का पार्ट जिसमें मैंने अस्तर अटैच कर लिया है, और नीचे से ये फिनिशिंग हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने कटोरी के पार्ट्स में भी अस्तर अटैच कर दिया है, लेकिन यहाँ पर तीरे यानी साइड का जो पार्ट्स है उसमें मैंने अस्तर अटैच नहीं किया है, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं अंडर पैकिंग स्टिचिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले कटोरी के पार्ट से शुरू करते हैं स्टिचिंग। तो यहाँ पे मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे, तो इस साइड तीरे के पार्ट्स को जोड़ने के लिए, और दूसरी साइड हुक या आई की पट्टी के लिए। और दोनों जो पॉइंट्स से हमने लगाए हैं, दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है। और उसके बाद डार्ट के लिए जितना हमने बढ़ाया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 इंच पर मार्क लगा रही हूँ, और जो लेंथ होगी कटोरी सॉरी डार्ट की वो 2 इंच होगी। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम कर लेंगे यहाँ पे स्टिचिंग। तो मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, और यहाँ पे डबल स्टिचिंग लगाएंगे ताकि स्टिचिंग जो है वो पक्की हो जाए। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा लिया है, डार्ट लगा लिया है कटोरी के पार्ट में, और उसके बाद हम लोग करेंगे अपने कटोरी को चेक। तो इस साइड मैंने तीरे के पार्ट्स को जोड़ने के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद मेज़र कर रही हूँ। तो ये मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है फैब्रिक, तो जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसको आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको शेप दे के कट करना है। अगर बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप नहीं भी कट करते तो चल जाता है, तो लेकिन यहाँ पे मैंने कट किया है। तो उसके बाद फिर से हम लोग एक बार और चेक कर लेंगे कि ये अभी परफेक्ट आएगा कि नहीं हम लोग का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो है मेरा कटोरी 5 इंच रेडी हो जाएगा, तो ये कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग अपने तीरे के पार्ट्स को लगाएंगे। तो यहाँ मैं तीरे वाले अस्तर वाला पार्ट ले रही हूँ, तो अस्तर वाले पार्ट को कटोरी के अस्तर वाले साइड में हमें रखना है। और जितना हमने मार्जिन लिया है स्टिचिंग की मार्जिन, उतनी ही मार्जिन लेके हम लोग यहाँ पे कर लेंगे स्टिचिंग। तो मैं 1/2 इंच मार्जिन लेके स्टिचिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो दोनों पार्ट्स को आपको बराबर रखना है, और किसी भी पार्ट्स को आपको खींचना नहीं है, बराबर रखते हुए स्टिचिंग करें। अगर थोड़ा बहुत आपका कोई सा पार्ट्स कम हो रहा है तो आप थोड़ा खींच सकते हो। तो ये अस्तर वाला पार्ट हमने लगा लिया। उसके बाद हम लोग अपने तीरे का मेन फैब्रिक लगाएंगे। तो मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साइड में ही रखना है। तो इस तरह से अभी मैं ऊपर साइड से स्टिचिंग लगा रही हूँ, क्योंकि हमने अस्तर के पार्ट को रख लिया है। तो अभी हम ऊपर साइड से स्टिचिंग भी लगाएंगे, तो कोई गड़बड़ी नहीं होगा। तो दोनों पार्ट्स को बराबर रखते हुए स्टिचिंग लगा लेनी है। तो यहाँ पे तीरे के पार्ट्स, मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों हमने अटैच कर लिया है कटोरी पार्ट्स से। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लगाएंगे दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए कच्ची स्टिचिंग, ताकि अस्तर और जो अस्तर और मेन फैब्रिक जो हमारे साइड का पार्ट है वो एक दूसरे से अटैच हो जाए। और यहाँ पे बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से हमने अटैच कर लिया है अस्तर और मेन फैब्रिक को। उसके बाद जितना भी मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर निकला हुआ है उसको हमें कर लेना है कटिंग। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है, आर्म होल की साइड में मैंने नहीं कट किया है, उसको मैं बाद में कट करूँगी। और इस तरह से जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक निकला हुआ था डार्ट का, वो मैंने फोल्ड करके इस तरह से स्टिचिंग लगा लिया है, ताकि थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाए। और सेम ऐसे मैंने दूसरे पार्ट्स भी रेडी कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बेल्ट का पार्ट लगाएंगे। तो उससे पहले थोड़ी सी हम लोग कर्व देने के लिए यहाँ पर जो ब्लाउज का पार्ट है उसमें कट लगाएंगे। तो दोनों ब्लाउज को एक दूसरे के ऊपर रख दिया है मैंने, और उसके बाद यहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ 1/2 इंच की। तो मैंने कट लगा लिया, उसके बाद हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट का अस्तर वाला पार्ट आपको ब्लाउज के अस्तर वाले साइड में रखना है, और थोड़ा सा आपको तिरछा रखना है यहाँ पे, तभी आपका जो ब्लाउज है उसमें कर्व शेप आएगा, वरना नहीं आएगा। और उसके बाद जितना आपने बेल्ट के पार्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन स्टिचिंग मार्जिन लिया है उतनी ही मार्जिन लेके स्टिचिंग कर लेंगे। तो मैंने 1/2 इंच लिया था, तो मैं 1/2 इंच की स्टिचिंग ही लगा रही हूँ। और ब्लाउज और जो हमारे बेल्ट का पार्ट है उसको दोनों को आपको बराबर रखना है, आगे पीछे नहीं करना है। तो यहाँ पर स्टिचिंग कम्प्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम लोग अपने ब्लाउज के पार्ट को इस तरह से रोल कर लेंगे, और जो बेल्ट का मेन फैब्रिक है उसको ब्लाउज़ के मेन फैब्रिक के ऊपर में रखते हुए यहाँ पे स्टिचिंग लगाएंगे। तो स्टिचिंग हम लोग उल्टे साइड से ही लगाएंगे, ताकि मार्जिन हमें बराबर से दिखे और बराबर से स्टिच हो। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा लिया है। उसके बाद जो हमने रोल किया था उसको हमें निकाल लेना है सावधानी से। तो यहाँ पर मैंने रोल को निकाल लिया है, उसके बाद इसको अच्छे से रखेंगे, यानी सिलवटे जो आए हुए उसको सीधा कर लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद लगाएंगे दाब स्टिचिंग।
तो डब स्टिचिंग हम अपने बेल्ट के पार्ट में लगाएंगे, ब्लाउज के पार्ट में नहीं। तो यहाँ पे मैंने डब स्टिचिंग लगा ली है, उसके बाद जितना भी बेल्ट का पार्ट वाला एक्स्ट्रा हुआ है फैब्रिक, उसको मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है। तो दूसरे ब्लाउज के पार्ट्स भी हम लोग बेल्ट लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों में बेल्ट लगा लिया है, उसके बाद हम हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। तो आई की पट्टी में मैंने अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों लिया है, और सबसे पहले हुक की पट्टी लगाएंगे। तो हुक की पट्टी को मैंने डबल फोल्ड कर दिया है, और जितनी मैंने मार्जिन लिया था हुक की पट्टी या आई की पट्टी को जोड़ने के लिए है, उतनी ही मार्जिन लेके यहाँ पर स्टिचिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग करके हुक की पट्टी को लगा लिया है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। और उसके बाद दोबारा से हुक की पट्टी में आपको डब स्टिचिंग लगा लेनी है, और नीचे से फोल्ड कर लेना है। जो पट्टी है उसको नीचे से फोल्ड कर देंगे हुक की पट्टी को। तो यहाँ पे डब स्टिचिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हुक की पट्टी को हम लोग अपने ब्लाउज के उल्टे साइड फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे लगाएंगे स्टिचिंग। आप यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं स्टिचिंग लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हुक की पट्टी हमारे रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे आई की पट्टी। तो आई की पट्टी में हमेशा उल्टी ब्लाउज के उल्टी साइड रख के लगाती हूँ। तो इस तरह से आपको रख लेना है, यानी जो आई की पट्टी का सीधा साइड है उसको ब्लाउज के उल्टे साइड में रखना है, और जितना हमने मार्जिन लिया है उतनी ही मार्जिन लेके स्टिचिंग कर लेंगे। ज़्यादा मार्जिन लेके स्टिचिंग नहीं करेंगे, वरना हमारा जो कटोरी है वो छोटा हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। उसके बाद ब्लाउज का सीधा साइड इसको फोल्ड करना है, तो सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसके बाद हाफ इंच भी फोल्ड करेंगे, और फिर दोबारा एक इंच भी फोल्ड कर देंगे, और उसके बाद स्टिचिंग लगा देंगे। तो आई की पट्टी आपको कभी भी एक इंच से कम नहीं रखनी है, ज़्यादा ही रखें। और आई की पट्टी बराबर ही आपको रखना है, तभी लुक अच्छा आएगा। और उसके बाद 2 से 3 स्टिचिंग आपको लगा लेनी है, ताकि आपकी जो आई की पट्टी है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 स्टिचिंग लगा ली, और आई की पट्टी का जो एक्स्ट्रा नेक की तरफ हुआ है फैब्रिक उसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, और उसके बाद हम लोग नेक रेडी करेंगे। तो शोल्डर वाले जो मार्जिन है उसको छोड़ के मेजर करना है। तो यहाँ मुझे 5.5 इंच चाहिए, तो उतने मैंने अपने अकॉर्डिंग मार्किंग करके यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा हुआ है फैब्रिक उसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। उसके बाद इसके ऊपर में हम हुक पट्टी वाली साइड ब्लाउज रखेंगे, और उसके बाद मेज़र करेंगे हुक की पट्टी से हमारे कितना एक्स्ट्रा हो रहा है नेक की तरफ का फैब्रिक। तो जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है सबसे पहले तो मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे कटिंग। तो यहाँ पे हमने अपना जो नेक है वो रेडी कर लिया है जितना हमें चाहिए। तो अभी हम लोग लगाएंगे नेक की पट्टी। तो नेक की पट्टी की फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ पे उरेप पट्टी का यूज़ कर रही हूँ। तो उरेप पट्टी को आई की पट्टी से आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा बाहर रखते हुए बराबर से ब्लाउज और आई की पट्टी को बराबर रखना है, और एक दाब की स्टिचिंग लेते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेना है। और उसके बाद जहाँ जहाँ राउंड आता है नेक में वहाँ पे आपको कट लगा लेना है, ताकि जो हमारा नेक की पट्टी है वो आसानी से मुड़ जाए। तो इस तरह से मैंने कट लगा लिया है, और उसके बाद हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद 0.25 बाहर फैब्रिक रखते हुए आपको यानी नेक की पट्टी को रखते हुए बाहर स्टिचिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेक की पट्टी रेडी कर ली है, और सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरी साइड की भी नेक की पट्टी को नेक को रेडी कर लूँगी। और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखता है वो कट करने के बाद इस तरह से फोल्ड करके तुरपाई लगा देंगे, और हमारा जो नेक है वो रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने दूसरी साइड की भी इसी तरह से रेडी कर लिया है, और आज मैंने आपको बताया 32 बस साइज सिंगल कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।